तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में DSSB फाइल ऑपरेटर के गाइस एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपका न्यू पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस किस प्रकार से होगा, आपसे किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फ्रेंड्स पिछले ईयर की कट ऑफ के अनुसार आपकी अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। अगर आप दोस्तों ये सब बात जानना चाहते हो तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं कजा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर देखिएगा, एक ऑफिशियल नोटिस है ये, ठीक है, DSSB का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, अगर मैं दोस्तों आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपकी टोटल वैकेंसीज में 706 हैं। ओके, और फ्रेंड्स आपका पोस्ट कोड देखिए 18/19, नेम ऑफ पोस्ट फायर ऑपरेटर ओनली फॉर मेल। ओके, और एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट था कि सर ये जॉब कैसी होती है, किस लेवल की होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ग्रुप सी, ये गाइस जबकि जॉब है ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की नहीं है। डी ग्रुप की थोड़ी लो लेवल में हो जाती है, लेकिन हार्ड लेवल में मानिए अच्छी पोस्ट है। अगर आप इस जॉब में लग जाते हो, आपका लक समझिएगा, ये ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें। ओके, और आपके में से ग्रेड पे की बात करूँ, यहाँ पे देखिए 2000 रुपये का ग्रेड पे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, EWS की बात करूँ तो 21 वैकेंसीज है, UR की 190 वैकेंसी है, OBC की 115 है, SC की 309 है, ST की 71 है। टोटल आपकी पोस्ट 706 हो जाती हैं। ओके, और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इसमें आपकी जो आगे चल के आपकी वैकेंसीज भी बढ़ सकती हैं। इसमें क्या सुना आपने, आगे चल के इसमें आपकी वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती हैं। ओके, और फ्रेंड्स नीचे देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आपके पास दोस्तों इसमें 10th पास होनी चाहिए थी, आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए थी आपके इसमें, और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। किस स्टूडेंट का मुझे कमेंट था कि सर इसमें हमारे पास हैवी लाइसेंस नहीं है, लाइट चल जाएगा क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपका जो लाइट लाइसेंस है वो नहीं चलेगा, आपके पास हैवी लाइसेंस होना अनिवार्य है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपके पास हैवी लाइसेंस होना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपको ड्राइविंग टेस्ट में नहीं बिठाया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सिलेबस फॉर वन टायर एग्जामिनेशन। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन ए में देखिएगा, आपसे दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी स्टूडेंट ने कमेंट रहता है सर इसे मैथ कौन सा आएगा, अर्थमेटिक आएगा, एडवांस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका जो मैथ आएगा बिल्कुल नॉर्मल आएगा और अर्थमेटिक आएगा। क्या सुना आपने, अर्थमेटिक आएगा, नॉर्मल आएगा। ओके, और फ्रेंड्स फोर पे हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, आपसे दोस्तों कम्प्रीहेंशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और आपसे जो नॉर्मल इंग्लिश होती है, सिनोनियम एंटोनियम या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ऊपर जनरल रीजनिंग में से आपसे आप देख लीजिए चैप्टर्स को, इन चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वीडियो स्किप करके या फिर वीडियो को रोक के यहाँ पे देख लीजिएगा आराम से, आपके ये सब चैप्टर्स हैं, और ये मैथ, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये आपके नॉर्मल चैप्टर है, सब अर्थमेटिक है, आपसे सब ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, अगर मैं दोस्तों आपके बात करूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, काफी अहमियत रखता है एग्जाम पैटर्न भी आपका, तो दिखा देता हूँ एक बार, सेकंड रुकिएगा आप। तो दोस्तों तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप टायर 1 टायर, और फ्रेंड्स पोस्ट कोड आपको पता ही है 18/19 है, ठीक है, एग्जाम कोड आपका ITGT है, और टाइम 2 घंटे। दोस्तों आपको पेपर सोल्व करने का पूरा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, फिर टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे, और टोटल क्वेश्चन का मतलब मार्क अगर देखा जाए, क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों आपका सिलेबस ये सारा मैंने आपको जो टोटली ऊपर बता दिया है, ठीक। अगर मैं बात करूँ आपके नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, आप देख लीजिए यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डेडिकेशन ऑफ 0.25 मार्क्स। तो फ्रेंड्स जो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 मार्क्स की रखी गई है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन वहां पे काट लिया जाएगा। क्या सुना आपने, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन वहां पे काट लिया जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी इसमें कट ऑफ की बात करो, जिसमें जनरल को 40% नंबर लेना अनिवार्य है, OBC को 35% लेना अनिवार्य है, जो SC ST है उनको 30% लेना अनिवार्य है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम पैटर्न था और सिलेबस था जो आपको मैंने बता दिया है। और किसी स्टूडेंट का मुझे कमेंट था कि सर इसकी पिछली ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, तो हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये फ्रेंड्स जो वैकेंसी 2019 की है। ओके,
इसमें वो पोस्ट कोड 71/14 है। ओके, इसमें टोटल वैकेंसी 803 थी जो आगे बढ़ के 841 हो गई थी। यहाँ पे देखिए 841, ठीक है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर आपके भविष्य में वैकेंसी इंक्रीज होती है तो मैं आपके अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ओके, तो फ्रेंड्स नीचे देखिए, जब आपकी कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ मैं एक बार आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यूआर की कट ऑफ की बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए 778.29 की आपकी कट ऑफ गई थी यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 165.64 गई थी। एसटी की गाइस देखिए 134.67 की थी, और एसटी कास्ट के लिए 131.96 गई थी आपकी कट ऑफ पिछले साल की। तो दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपकी कट ऑफ की बार क्या रहने की आशंका है, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आपको मैंने एक बिल्कुल प्रूफ दिखा दिया पिछले साल की कट ऑफ का, आपको आराम से देख लीजिएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके फिजिकल में कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे इस बात पे या फिर इस वीडियो में आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। आपको कुछ भी डाउट लगे इस भर्ती से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फ्रेंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको टाइम से मिल जाए। तो अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।